बहुत कम बरसात होना, ठीक है, बहुत कम बरसात होना या वर्षा का कम होना क्या कहलाएगा? अल्प वृष्टि। ठीक है, अल्प का अर्थ होता है कम और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। ठीक है, तो वर्षा का कम होना आपका क्या कहलाएगा? अल्प वृष्टि। निर्भय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। एक बार आप, क्योंकि एक्चुअली आज क्लास का टाइम भी बढ़ाना पड़ा और क्लास भी लेट से स्टार्ट हुई क्योंकि काम चल रहा था स्टूडियो में, तो हो सके तो एक बार आप लोग अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में, यह आपका हो चुका था, ठीक है, रास्ते में खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ, भोज्य सामग्री दी जाती है, ठीक है, रास्ते में खाने के लिए जो भोज्य सामग्री दी जाती है उसे हम पाथे कहते हैं। ठीक है, जो यात्रा के लिए हम भोजन ले आते हैं, ठीक है, यात्रा के समय जो भोजन खाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं। ठीक है, इस संसार से संबंध हो, ठीक है, इस संसार से संबंध क्या कहलाएगा आपका? ऐहिक। ठीक है, जैसे इलोक, इलोक का अर्थ होता है इस लोक से संबंध, इसी तरीके से जिसका संबंध इस संसार से हो उसे क्या कहेंगे? ऐहिक कहेंगे। ठीक है, ऐहिक कहेंगे। गंगा का उद्गम स्थान, गंगा का उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? गंगोत्री। जैसे आपकी जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगा का उद्गम कहाँ हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर से, इसलिए गंगा का उद्गम स्थान किसे कहेंगे? गंगोत्री को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो। ठीक है, आज टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जन श्रुति। तो श्रुति का अर्थ होता है सुनना और जन का अर्थ होता है लोग। ठीक है, तो जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जन श्रुति। ठीक है, जो पहले जन्मा हो। ठीक है, जैसे हम लोग विलोम पढ़े थे तो अग्रज का विलोम हम लोगों ने पढ़ा था अनुज। ठीक है, अग्रज का विलोम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अनुज पढ़ा था। तो जिसका जन्म पहले हो, अग्र का अर्थ होता है आगे और जा का अर्थ होता है जन्म। ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अग्रज। ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। और अग्रज किसे बोलते हैं? जैसे बड़े भाई को क्या बोलते हैं? बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। और इसी तरीके से छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, क्योंकि अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और जा का अर्थ होता है जन्म। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसे अनुज कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। राइट शर्मा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। अब आप लोग भी क्लास से अब जुड़ जाएं, ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं ठीक हूं। शर्मा आप कैसे हो? एसटीडी आपकी कैसी चल रही है? आज आप लोग को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी क्योंकि लेट हो गई थी क्लास। तो अब क्लास टॉपिक पर आते हैं अपने। जिसके हृदय में, यहां पर इसे सही कर लीजिएगा, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो जोता बोया ना गया हो। ठीक है, जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो जो जोता बोया ना गया हो उसे कहेंगे आकृषित। ठीक है, आकृषित। तो ऐसी भूमि जो ज्योति बोई नहीं गई है, मतलब जिस भूमि पर कृषि नहीं की गई है, खेती नहीं की गई है, ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? ऐसी भूमि को कहेंगे आकृषित। ठीक है, आकृषित। राइट राइट शर्मा, राइट निर्भय, वेरी गुड। ठीक है, सब कुछ खाने वाला। ठीक है, सब कुछ खाने वाले के लिए क्या कहेंगे? सर्वभक्षी कहेंगे। ठीक है, जो जैसे जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी हो, मतलब जो सब कुछ खाता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सर्वभक्षी कहेंगे। ठीक है, थैंक यू शर्मा, थैंक यू।
जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, ये आपका हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, ठीक है। सर्वसाधारण से संबंधित, ठीक है, जो सर्वसाधारण से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक। जैसे कि आपका सार्वजनिक स्थान होता है, ठीक है, आपका रेस्तरा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, आपका पार्क हो गया, ये सब स्थान कैसे होते हैं? जो सार्वजनिक होते हैं, जहां पर सभी लोगों को जाने की अनुमति होती है, ठीक है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। तो इसी तरीके से जो सर्वसाधारण से, मतलब जहां पर सभी लोगों को जाने की अनुमति हो, जो जहां पर सभी लोग जा सकते हैं, जो सर्वसाधारण मतलब सभी लोगों से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक कहेंगे, ठीक है, सार्वजनिक कहेंगे। आदि से अंत तक के लिए, ठीक है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द आपका हो जाएगा आद्योपांत, आद्योपांत। तो आदि से अंत तक के लिए मतलब शुरुआत से अंत तक, मतलब शुरुआत से अंत तक के लिए क्या, शुरुआत से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आद्योपांत हो जाएगा। तो आदि का अर्थ होता है आरंभ होना, शुरुआत होना, ठीक है, और अंत मतलब समाप्ति। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आद्योपांत हो जाएगा, ठीक है। शक्ति की उपासना करने वाला, ठीक है, शक्ति की उपासना करने वाला को क्या कहेंगे? शाक्त कहेंगे। जैसे शक्ति, शिव शक्ति, ठीक है, तो जो हमारी माता है, ठीक है, जो हमारी जगत माता है, जगत जननी है, ठीक है, जैसे माँ दुर्गा, जो माता की पूजा करता है, जो माता की उपासना करता है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें शाक्त कहेंगे, ठीक है, उन्हें शाक्त कहेंगे। शक्ति मतलब शक्ति किसे कहा गया? माता को कहा गया है, ठीक है, तो जो माता की उपासना करता है उसे क्या कहेंगे? शाक्त। तो वैसे शिव शक्ति, पार्वती, पार्वती जी का पर्यायवाची भी होता है शक्ति, तो ठीक है, पार्वती जी को शक्ति भी कहा गया है, ठीक है। तो शक्ति की उपासना करने वालों को क्या कहेंगे? शाक्त कहेंगे। इसी तरीके से शिव की शिव का उपासक को क्या कहेंगे? जो शिव की उपासना करता हो उसे क्या कहेंगे? शैव, ठीक है, जो शिव की उपासना करेगा उसे शैव कहेंगे। जो शक्ति मतलब माता देवी की उपासना करता हो उसे क्या कहेंगे? शाक्त कहेंगे। और इसी तरीके से जो विष्णु, विष्णु जी को पूजा करता हो या विष्णु जी का उपासक हो उसे वैष्णव कहते हैं, ठीक है, उसे वैष्णव कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, काफी आपके बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका, ठीक है, प्रोषित पतिका। हाँ, राइट शर्मा, राइट, वेरी गुड। जो हमेशा रहे, ठीक है, जो हमेशा रहे, जो सदा रहे, ठीक है, जो जिसका कभी नाश ना हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ या प्रज्ञ भी कहेंगे। तो जैसे सर्वज्ञ आपके दो शब्द से बना हुआ है, सर्व धन ज्ञा, मतलब ज्ञा का अर्थ होता है जिसे ज्ञान हो, सर्व मतलब सब, ठीक है, तो जिसे सब कुछ पता हो, सब कुछ का ज्ञान हो या सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ और प्रज्ञ भी कह सकते, प्रज्ञ भी कहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं शर्मा, जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनी कहेंगे। जैसे कि हमारी जो संविधान है, हमारी संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो हमारे न्यायालय को मिला है, ठीक है, तो जो संविधान की व्याख्या न्यायालय करता है उसे क्या कहते हैं? निर्वचन करना, ठीक है। संविधान की जो व्याख्या न्यायालय करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, तो जब वो उसकी व्याख्या को क्या कहते हैं? निर्वचन। तो निर्वचन का अर्थ होता है व्याख्या करना, ठीक है, और ये अधिकार, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको मिला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से निर्वचन का अर्थ होता है व्याख्या करना, और यहां पर दो शब्दों से मिला है, निर्वचन प्लस
आपके आ, ठीक है, आ से मिला हुआ है तो आ जो है आपका क्या होता है, आ नहीं का अर्थ प्रकट करता है। इसी तरीके से जो व्यक्त ना किया जा सके या जिसकी व्याख्या ना की जा सके, ठीक है, क्योंकि निर्वचन का अर्थ क्या होता है, व्याख्या। तो जो व्यक्त ना किया जा सके या जिसकी व्याख्या ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनी, ठीक है, अनिर्वचनी। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं और वहां पे इस तरीके से शब्द प्रयोग होते हैं, निर्वचन, ये सब तो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने से आपके एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो आपका हिंदी तो आपकी स्ट्रांग होगी होगी, साथ में जब आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हिंदी जो टर्मिनल आते हैं, शब्द हिंदी जो आती है वहां पर आप फंसेंगे नहीं, हर एक शब्द का आपको अर्थ पता होगा, ठीक है। तो निर्वचनी हो जाएगा, अनिर्वचनी हो जाएगा, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, ठीक है, जिसके प्रति मतलब किसी के प्रति यदि गहरा लगाव हो, प्रेम हो, राग हो, ठीक है, या ये कह सकते हैं किसी के प्रति आशक्त होना, किसी के प्रति आशक्त होना क्या कहलाएगा, अनुरक्त कहलाएगा, ठीक है, अनुरक्त कहलाएगा। जो क्षमा करने योग्य है, इंपॉर्टेंट है, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, क्षम्य कहेंगे, ठीक है। क्षमा हो गया आपका, क्षमा का अर्थ होता है माफ करना, और क्षम्य, क्षम्य का अर्थ दूसरा हो जाएगा, ये क्षमा और क्षम्य का अर्थ बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। क्षमा का अर्थ हो गया माफ करना, और क्षम्य का अर्थ होता है जो क्षमा करने योग्य हो, ठीक है। तो जो क्षमा करने योग्य है उसे क्या कहेंगे, उसे क्षम्य कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, यहां पर सही कर लीजिए, यहां होगा जिसे रोका ना जा सके, ठीक है, जिसे रोका ना गया हो, जिसे रोका ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनिरुद्ध कहेंगे, ठीक है, जिसे रोका ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनिरुद्ध कहेंगे। हाँ, निर्भय, राइट, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, ठीके? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से जिसे रोका गया हो, जिसे रोका ना गया हो, ध्यान दीजिएगा, जिसे रोका ना गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे अनिरुद्ध कहेंगे। जब हमने विलोम शब्द पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि अनिरुद्ध का अर्थ होता है व्यवधान रहित, ठीक है, अनिरुद्ध का अर्थ क्या होता है, व्यवधान, व्यवधान रहित, व्यवधान रहित होना, ठीक है, व्यवधान रहित होना। तो अनिरुद्ध का अर्थ होता है, अनिरुद्ध का अर्थ होता है व्यवधान रहित होना, मतलब किसी भी कोई भी कार्य है उसमें रुकावट ना आना, ठीक है, या कार्य का सुचारू रूप से चलता रहना, निर्बाध रूप से चलता रहना, ठीक है, या किसी, या जिसे रोका ना गया हो, ठीक है, कोई कार्य चल रहा है तो वो निरंतर चलता जा रहा है, उसे बीच में रोका ना गया हो, ठीक है, तो उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, अनिरुद्ध कहेंगे। और जब हमने विलोम शब्द पढ़ा था तो अनिरुद्ध का विलोम क्या था, अनिरुद्ध का विलोम था निरुद्ध, आपका पीछे का भी टॉपिक साथ में रिवाइज करते चलिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, निरुद्ध, ठीक है। तो अनिरुद्ध का अर्थ क्लियर है, व्यवधान रहित होना, ठीक है, बाधा का ना आना, कार्य का निर्बाध रूप से चलते रहना, सुचारू रूप से चलते रहना, निरंतर कोई कार्य चल रहा तो उसमें निरंतरता होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुगमन करने वाला, अनुगमन करने वाला को क्या कहेंगे, अनुगामी कहेंगे, ठीक है। तो अनुगामी भी आपका दो शब्दों से बना हुआ है, अनुधन गामी, तो अनुधन गमन से बना हुआ है, ठीक है, अनुगामी आपका अनुधन गमन से बना हुआ है, ठीक है, यहां पर, यहां अनुधन गमन, ठीक है। तो गमन का अर्थ होता है जाना, ठीक है, जाना, और अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, ठीक है, पीछे या बाद में। तो अगर हम किसी के पीछे चलते हैं, ठीक है, किसी के पीछे जाना क्या कहलाएगा, अनुगामी कहेगा। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना, ठीक है, तो किसी के पीछे जाना आपका क्या कहलाएगा, अनुगामी कहलाएगा, अनुगामी। अनुगमन करने वाले को क्या कहेंगे, अनुगामी कहेंगे। विपिन यादव जी, नमस्ते,
अब आते हैं अपने टॉपिक पर. क्लियर हो रहा है सभी को? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पर. ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे. ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे. जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं. जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? आप प्रवासी कहते हैं. आपको यहीं पर एक शब्द मिलेगा, प्रवासी. ठीक है, प्रवासी, और एक शब्द आपका क्या होता है? आप प्रवासी. तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? आप प्रवासी. प्रवासी और आप प्रवासी में अंतर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, प्रवासी उसे कहते हैं जो अपने रोजगार के लिए, ठीक है, रोजगार, व्यापार, कुछ भी चीज के लिए, ठीक है, प्रदेश में कह सकते हैं, ठीक है, परदेश में या विदेश में जाकर रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रवासी कहते हैं, जो प्रवास करता है. ठीक है, किस लिए? रोजगार के लिए. ठीक है, अब रोजगार के लिए, कोई व्यापार के लिए बाहर जा रहा है और वहां जाकर, परदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है और वहां जाकर वो कार्य को कर रहा है, तो आपका प्रवासी कहलाता है. ठीक है, और अप्रवासी, इसमें अंतर क्या है? जैसे कोई देश, कोई भारतीय नागरिक आपका अमेरिका में जाके किसी कंपनी के थ्रू वो सेलेक्ट हो गया है और वहां जाके उस कंपनी में कार्य कर रहा है, तो वो तो आपका कहलाएगा प्रवासी, क्योंकि वो किसी काम के लिए गया है, वो निश्चित समय के लिए, निश्चित काम के लिए गया है, उसके बाद वो वापिस आ जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रवासी. पर ऐसा नागरिक जो विदेश में जाकर वहां काम तो कर रहा था और फिर वो विदेश में जाके बस गया, मतलब वहां का नागरिक बन गया, तो जब वहां का नागरिक बन जाता है तो वो कहलाता है अप्रवासी. लेकिन जब वहां का वो नागरिक नहीं बनता, सिर्फ वो किसी काम के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, ठीक है, तब वो कहलाता है प्रवासी. ठीक है, तो प्रवासी और अप्रवासी का अंतर पता होना चाहिए. हाँ, जो व्यक्ति, देखिए, प्रवासी भी जाके विदेश में रहता है. ठीक है, प्रवासी व्यक्ति जो नागरिक होता है वो भी जाके विदेश में रहता है, पर वो उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करता है. ठीक है, उसकी नागरिकता भारत की ही रहेगी. जैसे भारत से गया है तो नागरिकता तो भारत की रहेगी, पर वो किसी काम के लिए जाएगा. ठीक है, वो जॉब हो सकता है, व्यापार, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो वहां गया, कोई भारतीय नागरिक वहां गया और वहीं का निवासी हो गया, ठीक है, वहीं की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली, तो वो आपका अप्रवासी कहलाएगा. ठीक है, वो आपका अप्रवासी कहलाएगा. तो अंतर पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, जिसे किसी बात का पता ना हो. ठीक है, जिसे किसी बात का पता ना हो उसे क्या कहेंगे? अनभिज्ञ कहेंगे. और हम लोगों ने विलोम शब्द में बहुत अच्छे से पढ़ा था अनभिज्ञ. अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? साथ साथ कहीं पर नोट करते रहिए. ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम आपका क्या होता था? अभिज्ञ होता था. ठीक है, तो जिसे पता हो, जिसे ज्ञान हो उसे अभिज्ञ कहेंगे, और जिसे किसी बात का पता ना हो, या कह सकते किसी विषय के बारे में जानकारी ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनभिज्ञ. जैसे कहेंगे हम इस तथ्य से या इस विषय से क्या थे? अनभिज्ञ थे, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, पता नहीं था. ठीक है, 700 पदों की पुस्तक. 700 पदों की पुस्तक क्या कहलाएगी? 700 पदों की पुस्तक या 700 पदों की दोहा. ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सत्य सही. ठीक है, सत्य सही. विष्णु की आराधना करने वाला. ठीक है, विष्णु की आराधना करने वाला या विष्णु का उपासक. ठीक है, विष्णु की आराधना करने वाला या विष्णु का उपासक क्या कहलाएगा? वैष्णव कहलाएगा. ठीक है, इसी तरीके से जो शिव का उपासक होता है उसे हम शैव कहते हैं, और जो विष्णु का उपासक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैष्णव कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे. अभी तो हमने पीछे देखा था अनुगामी. हम लोगों ने अनुगामी का अर्थ समझा था कि अनुगामी कौन होते हैं? जो किसी के पीछे चलते हैं, किसी के पीछे जाते हैं, या किसी का अनुसरण करते हैं, या किसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो अभी क्या है? जो बिना सोचे समझे किसी का अनुगमन करे, तो उसे क्या कहेंगे? अंधानुगामी. तो इसका अर्थ होता है
मतलब किसी, मान लीजिए आप किसी को फॉलो कर रहे हैं ठीक है, पर बिना सोचे समझे, जैसे कहते हैं कि अंधभक्त नहीं होना चाहिए किसी को, किसी को अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं ठीक है, तो किसी, तो कहते हैं कि अंधभक्त नहीं होना चाहिए या अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पूरा पता करना चाहिए कि जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो हमारा आदर्श है जिसको हम मान रहे, क्या वो सही है, या उसके जो कार्य कर रहे हैं जो उसके आदर्श हैं क्या वो सही है. तो हमें सही और गलत का हमेशा फर्क करना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए, किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए ठीक है. तो जैसे हम किसी को मानने लगते, कोई आपका हीरो हो गया, कोई नायक हो गया या कोई आपके नेता हो गए, तो हम उनके, उनको मतलब वो गलत भी करते हैं फिर भी हम उनकी जय जयकार करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग साक्षर हैं, तो हमें जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है. तो इसी तरीके से जो बिना सोचे समझे किसी का अनुगमन करे उसे क्या कहते हैं, अंधानुगामी ठीक है. अंधानुगामी जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे क्या कहेंगे, प्रतियुक्त. मान लीजिए कोई प्रश्न है, जो प्रश्न किया गया है ठीक है, जैसे आप आरटीआई होता है सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार में आपने वहां पर कोई चीज, आपने सूचना मांगी और उसका आपको, सूचना जो आपने मांगी उसको आपको दिया गया ठीक है, वो सूचना आपको दी गई या उसका उत्तर, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया गया, मतलब उसे एक्सप्लेन किया गया ठीक है. तो जब आपको उसका उत्तर मिल जाए ठीक है, जब उसका उत्तर मिल जाए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतियुक्त कहेंगे ठीक है. ये आपका रिपीट हुआ है ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ठीक है. तो जो स्त्री सूर्य भी ना देखे उसे क्या कहते हैं, आसूर्यम पश्या ठीक है, आसूर्यम पश्या. पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं, पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं. जैसे आपका जो मंथ होता है, महीना ठीक है, जिसे हम माह बोलते हैं, तो आपके ये जो माह होते हैं ये 15-15 दिन में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं ठीक है. जैसे आपके दो पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के आपके दो पक्ष होते हैं, एक आपका होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है आपका शुक्ल पक्ष. तो जो आपका कृष्ण पक्ष होता है ठीक है, कृष्ण पक्ष भी आपका 15 दिन का होगा. तो जब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होगा तो उस समय उसे क्या कहते हैं, अमावस्या ठीक है, अमावस्या. और अमावस्या के समय क्या होता है, आपका जो चांद होता है वो आपको दिखता नहीं, मतलब पूरी तरीके से वो चांद अदृश्य हो जाता है, इसलिए अंधेरी रात उसे बोलते हैं ठीक है. और इसी तरीके से आपका होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की जब जिस दिन 15वीं दिन होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं. और उस दिन क्या होता है, पूरा चांद दिखता है और क्या कहते हैं, उजाली रात होती है ठीक है. तो इसी तरीके से जो आपके एक पक्ष होते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष, उसकी जो पहली तिथि होती है, किसी भी पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिपदा कहते हैं ठीक है, उसे प्रतिपदा कहते हैं. नेक्स्ट, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि ठीक है, मास के किसी भी पक्ष की, मतलब दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो किसी भी पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है, जो आपकी क्या होती है, 11वीं तिथि होती है, उसे हम कहते हैं एकादशी ठीक है, एकादशी. मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं ठीक है, 15वीं होगा यहाँ पे, 15वीं तिथि को क्या कहते हैं, पूर्णिमा ठीक है. पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद आपका दिखता है ठीक है, और उजाली रात होती है ठीक है, चांदनी रात होती है, जिसमें जो है क्या होता है, पूरा आपको दिखता है, उजाली रात होती है. जानने की इच्छा रखने वाला ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे ठीक है. जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे. और यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे जानने की इच्छा, अगर पूछेगा जानने की इच्छा, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा. जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और जानने का, जानने की इच्छा रखने वाला या जानने का इच्छुक क्या कहलाएगा, जिज्ञासु कहलाएगा ठीक है, जिज्ञासु कहलाएगा. हाँ देखिए यहाँ पर दिया ही था, कोई बात नहीं, जानने की इच्छा जिज्ञासा ठीक है.
जो हमेशा रहने वाला हो, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं, स्थाई, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, स्थाई कहते हैं। जो आमिस, जो आमिस, आमिस का अर्थ होता है मांस, ठीक है, आमिस, और इसे सामिस भी बोलते हैं, ठीक है, सामिस और सामिस और आमिस का एक ही अर्थ होता है। तो जो आमिस मतलब मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, निरामिस कहते हैं, ठीक है, निरामिस कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, ठीक है, जो मृत्यु के बिल्कुल करीब हो या जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, मर, उसे कहेंगे मृत प्राय भी कहेंगे, यहाँ पर आपका डैश होगा, या आसन्न मृत्यु कहेंगे या मृत आसन भी कहेंगे, ठीक है, मृत आसन, यहाँ पर मृत आसन, मृत आसन भी हो सकता है, ठीक है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कृतघ्न, ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं माने उसे कृतघ्न कहते हैं, और जो किए गए उपकार को माने उसे क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने विलोम शब्द में पढ़ा था, जिन्होंने भी क्लास की बहुत अच्छे से उसको पता होगा कि कृतघ्न का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है, कृतज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से, जस्ट मिनट, कठिनाई से समझने योग्य को क्या कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे। तो ये भी आपके दो शब्दों से बना है, यहां पर दुर क्या है, दुर आपका उपसर्ग है, ठीक है, दुर आपका उपसर्ग से आपका क्या बना है, दुर्बोध बना है, ठीक है। तो दुर धन बोध, ठीक है, तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना, मतलब समझ होना एक तरीके से, और दुर का मतलब कठिनाई। तो जिसका ज्ञान या जिसकी समझ कठिनाई से हो उसे क्या कहेंगे, उसे दुर्बोध कहेंगे, ठीक है, उसे दुर्बोध कहेंगे। देखिए, विदेश में वास करने वाले को प्रवासी कहते हैं, पर अभी अंतर बताया था ना, प्रवासी और अप्रवासी में अंतर होता है। प्रवासी सिर्फ वहां पर जाकर रहता है और जिस काम के लिए जाता है बस उस कार्य के लिए वहां पर होता है, और जो अप्रवासी होते हैं वो वहां के नागरिक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों मतलब आपको, दोनों जाकर विदेश में रहते हैं पर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जिस पर अनुग्रह, ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम में आया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुग्रहित कहते हैं, ठीक है। आपका ये वन वर्ड्स देखिए, ये इतना शब्द इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको वन वर्ड्स मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आपको पूछा जाएगा, जब आपका इसका अपोजिट पूछा जाता है तो वहां भी पूछा जाता है, ठीक है, अपोजिट में विलोम शब्द में भी, और आपका जब वर्तनी पूछा जाता है तो वहां भी पूछा जाता है, क्योंकि इसकी वर्तनी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, तो वर्तनी में भी आपका पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनुग्रहित कहेंगे। जो कुछ न जानता हो, देखिए यहाँ पे वैसे जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, लेकिन यहाँ पर अनभिज्ञ भी किया जा सकता है, ठीक है, अनभिज्ञ। तो जिसे किसी बात का पता ना हो, ठीक है, या किसी बात की जानकारी ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। पर हाँ, यहाँ पर क्योंकि जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ होता है, अज्ञ ना होने की स्थिति में हम अनभिज्ञ भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसका निवारण ना हो सकता हो, ठीक है, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे क्या कहेंगे, अनिर्णित, ठीक है, अनिर्णित। जैसे कि कोई निर्णय होता है जिसे नहीं, जिसका निवारण नहीं हो पाता है तो उसे क्या बोल देते, अनिर्णित, ठीक है। तो जिसका निवारण, जैसे कोर्ट में होता है, कोई
कोई ऐसा केस होता है जब जिसका निवारण नहीं हो पाता, वो आने तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से कोई वाद होता है तो उस कंडीशन में उस वाद को भी क्या बोलते हैं, अनिर्णित वाद। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसका निवारण ना हो या जिसका निर्णय ना हो पाए, जिसका डिसीजन नहीं लिया जा सके, जिसका निवारण ना हो सके, उसे क्या कहेंगे, अनिर्णित। ठीक है, अनिर्णित यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बड़ा शाह होगा, जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे, अवश्यंभावी। ठीक है, अवश्यंभावी कहेंगे। मुस्तफा अंसारी जी, गुड आफ्टरनून। आते अपने टॉपिक पर, जो विधि और कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, जो विधि और कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, उसे अवैध कहेंगे। ठीक है, उसे अवैध कहेंगे। जो शोक करने योग्य ना हो, ठीक है, जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अशोक्य कहेंगे। ठीक है, अशोक्य कहेंगे। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, ठीक है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे, चिन्हित कहेंगे। ठीक है, चिन्हित। जैसे आप लोग जब स्टडी करते हैं कोई पैराग्राफ है उसको आप मार्क कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, मार्क करना ही आपका चिन्हित कहलाएगा। ठीक है, तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जैसे व्यापार करते हैं जब वो लोग, तो वो भी मार्क का प्रयोग करते हैं, अपने जो वस्तु रहती है, जो उनकी वस्तु रहते हैं उसको पहचान करने के लिए भी मार्क किया जाता है, जैसे आपका एक ट्रेडमार्क भी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी वस्तु को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु पर चिन्ह लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, चिन्हित करना। ठीक है, तो किसी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर मतलब जिस पर आप जैसे पढ़ रहे हैं, अगर पैराग्राफ है अगर उस पे चिन्ह लगा दिए तो वो आपका क्या कहलाएगा, चिन्हित कहलाएगा। ठीक है, जस्ट मिनट। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, अनन्य या अनुपम। ठीक है, अनुपम, तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, अनन्य कहेंगे या अनुपम कहेंगे। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे, व्यर्थ कहेंगे या कहेंगे अर्थहीन। ठीक है, अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, लिटरेट हो जाएगा आपका, तो जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। जस्ट मिनट। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, बता चुके हैं। ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे और अभिजात दोनों कहेंगे। ठीक है, दोनों। जो भू को धारण करे, ठीक है, जो भू को धारण करे उसे क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। ठीक है, भूधर, भू मतलब भूमि और धर मीन्स धारण करना। ठीक है, जो मृत्यु को जीत ले, ठीक है, जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहेंगे, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय कहेंगे। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे कहेंगे बहुभाषाविद। जो एक से अधिक या जो बहुत भाषा, बहुभाषा जो जानता हो उसे क्या कहेंगे, बहुभाषाविद कहेंगे। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, गोधूली या प्रदोष, प्रदोष। जैसे घर में कहते हैं कि गोधूली वेला में हमें मतलब खाना नहीं चाहिए, बहुत लोग सोना नहीं चाहिए, ऐसा घर में बोला जाता है। ठीक है, गोधूली वेला में नहीं करना चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि गोधूली वेला क्या होती है, जब दिन की समाप्ति हो जाती है, समाप्ति की ओर होता है, और रात्रि की क्या है, शुरुआत होती है, तो इस समय को क्या कहेंगे, इस समय को कहेंगे गोधूली या प्रदोष। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि रात्रि के पहले पहर, जब रात्रि की पहले पहर की शुरुआत होती है तो उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी प्रदोष कहते हैं। ठीक है, प्रदोष कहते हैं। सीमा पटेल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना क्या कहलाएगा? दुराग्रह कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, बता चुके हैं, अनभिज्ञ होगा और अज्ञ होगा, ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? धरती और आकाश के बीच का स्थान आपका क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ठीक है, या जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहेंगे? चंद्रमौली कहेंगे, ठीक है, चंद्रमौली। और चंद्रमौली किसे कहते हैं? अगर आप जब समाज पढ़ते हैं तो बहुबरी समाज में बताया जाता है, ठीक है, कि वहां पर जिसके सिर पर चंद्र हो, ठीक है, या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहते हैं। और चंद्रमौली किसे कहते हैं? शिव जी को। क्यों शिव जी? क्या हो? क्योंकि शिव जी अपने सिर पर क्या है? चंद्र को, या कहें चंद्रमा को धारण करते हैं। तो मौली का अर्थ होता है, मौली का अर्थ होता है, जसनट, मौली का अर्थ होता है सिर। मौली का अर्थ आपका क्या होगा? मौली का अर्थ होता है सिर, और चंद्र मतलब चंद्रमा। तो जो सिर पर चंद्रमा धारण करता हो उसे चंद्रमौली कहते हैं, ठीक है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? अपराहन कहेंगे, ठीक है, अपराहन। देखिए, एक होता है आपका दोपहर, एक होता है दोपहर के बाद का समय, और एक होता है दोपहर के पहले का समय, ठीक है। तो जो दोपहर का पहले का समय होता है उसे बोलते हैं पूर्वाहन, ठीक है। दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के पहले के समय को कहते हैं पूर्वाहन, ठीक है, पूर्वाहन। और दोपहर के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न हो जाता है। और दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराहन, ठीक है। जैसे मध्याह्न, मिड डे मील जो होता है, जो मध्य, मिड डे मील मतलब मध्याह्न का भोजन जो होता है, उसी पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोपहर को कहेंगे मध्याह्न, ठीक है, और दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? अपराहन। और दोपहर के पहले के समय को क्या कहेंगे? पूर्वाहन, ठीक है, पूर्वाहन। जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, जस्ट मिनट, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? असीम, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? असीम कहेंगे, ठीक है। तो असीम, सीम का अर्थ होता है सीमा, और आ का अर्थ होता है नहीं। तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? असीम कहेंगे, ठीक है। विनोद भारती जी, जय भीम, राधे राधे, ठीक है, राधे राधे। जिसको जाना नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? जिसको जाना नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञे, ठीक है, जिस आ गे, ठीक है। तो जिसको जाना नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं अज्ञे। और गे, गे का अर्थ क्या होता है? गे का अर्थ होता है जो जानने योग्य हो, ठीक है। गे का अर्थ होता है जो जानने योग्य हो, और जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अज्ञे कहेंगे, ठीक है। तो जो जानने योग्य है वो आपका गे होगा, और जिसे जाना ना जा सके वो आपका क्या कहलाएगा? अज्ञे कहलाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है, ठीक है। जिसका आदि व अंत ना हो, ठीक है, जिसका आदि और अंत ना हो, मतलब जिसकी शुरुआत और उसका अंत ना हो, जिसका आरंभ या उसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे या अनाद्यंत कहेंगे, ठीक है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो चुका है, कोई बात नहीं, रिवीजन है आपका, आकाशवृत्ति कहेंगे, ठीक है। जो समान नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, जो समान नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? आविधिक कहेंगे, और
उसे अवैध भी कहेंगे, ठीक है, अवैध। तो जो नियम के विरुद्ध हो, जैसे हमारे हर एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। तो जो लॉ के मतलब जो नियम के जो कानून के विरुद्ध होता है वो क्या होता है, वो आपका अवैध होता है, या उसे आविधिक भी कह सकते हैं, ठीक है, आविधिक भी कह सकते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाएगा, दिव्य चक्षु, ठीक है, दिव्य चक्षु। देखिए चक्षु का अर्थ होता है आँख, क्योंकि आँख का पर्यायवाची क्या होता है, आँख का पर्यायवाची होता है चक्षु, ठीक है, चक्षु। तो जो 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 है आपका दिव्य, ठीक है, दिव्य चक्षु का अर्थ यहाँ पर है जो ज्ञान नेत्र से, क्योंकि अंधे लोग के पास आंखें तो होती नहीं देखने के लिए, ठीक है, तो वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, या कहीं भी आना जाना मतलब वो कुछ भी करते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ज्ञान नेत्र मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं उन मतलब कौन करता है, अंधा व्यक्ति, तो ऐसे देखने वाले अंधे व्यक्ति को क्या कहेंगे, दिव्य चक्षु। अगर ये कहे कि अंधे व्यक्ति को एक शब्द में आप ये भी कह सकते हैं दिव्य चक्षु, और अच्छा भी लगेगा, ठीक है, दिव्य चक्षु मतलब जो अपने ज्ञान नेत्र का प्रयोग करता है, ठीक है। ये तो टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो फिर कन्फर्म आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। दूध, ठीक है, दूध, दही, घृत, यहाँ पे घृत होगा, शर्करा मतलब चीनी, मधु मतलब शहद, मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पंचामृत। जब घर में जो कथा पूजा होती है, ठीक है, घर में जब कथा पूजा की जाती है तो भगवान को क्या है, भगवान को चरणामृत से नहलाया जाता है, और उसी चरणामृत को नहलाने के बाद क्या किया जाता है, उसी का भोग लगा के सभी लोगों में वितरित किया जाता है, ठीक है। तो उसमें दूध, दही, आपका घी, ठीक है, शहद, सारे चीज से उसे तैयार किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को पंचामृत या चरणामृत भी कह सकते हैं, ठीक है। चरणामृत इसलिए क्योंकि उसी से उनको नहलाया जाता है, या उनके चरणों को जो है उन्हें अर्पित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है, ये पंचामृत होगा, जिसके आने की तिथि ना हो, ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अतिथि कहेंगे, ठीक है, अतिथि कहेंगे। तो आ का अर्थ होता है, आ क्या होता है, नहीं के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, और तिथि का अर्थ होता है आपके तिथि से मतलब डेट से, ठीक है। तो जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे, अतिथि कहेंगे, ठीक है, अतिथि कहेंगे। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अविवेकी, ठीक है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, ठीक है, जिसे अच्छे बुरे की समझ हो वो आपका क्या कहलाता है, विवेकी। और जिसे अच्छे मतलब भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अविवेकी कहेंगे, ठीक है, अविवेकी कहेंगे। जिसे वाणी व्यक्त ना करे, ठीक है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहेंगे, अवर्णनीय, ठीक है, अवर्णनीय, ठीक है। वर्णनीय वो होता है जिसमें हम जिसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अवर्णनीय क्या होता है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते या हम जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, ठीक है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहेंगे, आकथनी कहेंगे, ठीक है, आकथनी। तो कथनी का अर्थ होता है जिसे कहा जा सके, ठीक है, कथनी का अर्थ क्या होता है, जिसे कहा जा सके। और आ का अर्थ किस लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं के लिए, ठीक है, नहीं का अर्थ देने के लिए हम क्या करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। तो जिसे नहीं कहा जा सकता वो आपका क्या हो जाएगा, आकथनी हो जाएगा, ठीक है, आकथनी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, ठीक है, अनंत। जैसे आपके आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है अनंत, या अंतरिक्ष का पर्यायवाची आपका क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि हम जहां तक देखते हैं हमें अंतरिक्ष वहां तक दिखाई देता है, उसका कोई अंत ही नहीं होता, ठीक है। तो जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, ठीक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहेंगे, औदार दाता, ठीक है, औदार दाता, जो उदार दिल का हो, ठीक है। जैसे हम लोग दान करते हैं तो कुछ लोग दान क्या करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए, समाज में दिखावे के लिए दान करते हैं कि उनका नाम हो जाए, पर नहीं, जो पूरे दिल से अपनी इच्छा से, ठीक है, उदार दिल से, जिसका दिल उदार हो, ठीक है, जिसमें दया हो, ठीक है, जिसमें लोगों के प्रति दया का भाव हो, उदार हो, उनको क्या कहेंगे, उन्हें औदार दाता कहेंगे, ठीक है। तो जिस जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, ठीक है, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छा से दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, और अपनी इच्छा से वो करता है, ठीक है, तो जो उदारता से सब कुछ देना जानता हो उसे क्या कहेंगे, औदार दाता। तो औदार ये दो शब्दों से बना हुआ, औदार का अर्थ होता है उदार और दाता का अर्थ होता है देना। तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहेंगे, औदार दाता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो जरा सा भी खर्च, यहां पे खर्च होगा, ठीक है, सही कर लीजिए, यहां पे आपका खर्च हो जाएगा, तो जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे क्या कहेंगे, मित व्यय, ठीक है, मित व्यय। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी आपका दो शब्दों से बना हुआ है, व्यय, मित धन व्यय, तो मित का अर्थ होता है कम और व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, तो जो कम खर्च करता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मित व्यय, ठीक है। तो इसी तरीके से जो खर्च करने में आनाकानी करे उसे क्या कहेंगे, मित व्यय कहेंगे। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होगा, ठीक है, यहाँ पे आधा शाह होगा आपका स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, मृदु भाषणी, ठीक है, मृदु, मृदु का अर्थ यहाँ पे मधुर से है, ठीक है, मीठे से है, ठीक है, मृदु भाषणी हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, ठीक है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची, ठीक है, अग्रसोची। और अग्रसोची वही हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई भी काम करने से पहले उसको बहुत दूर तक सोचते हैं, मतलब बहुत आगे तक की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जब हम ये कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए जब वो परिणाम तक जाते हैं तो वो बहुत दूर तक सोच लेते हैं, ठीक है। तो जो बहुत आगे तक की सोचता हो उसे क्या कहेंगे, अग्रसोची। तो अग्र का अर्थ होता है आगे और सोची का अर्थ होता है सोचना, ठीक है। नेक्स्ट, जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो, ये कह सकते हैं, जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो, जो मृत्यु के करीब हो या जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, मरणासन कहेंगे, ठीक है, मरणासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, ठीक है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को क्या कहेंगे, स्मरणी। मान लीजिए कोई बात हो, कोई घटना हो जो हम बहुत दिन तक उसको याद रखें, स्मरण का अर्थ होता है याद रखना। तो जो बहुत दिन तक हम बात को, बात हो, कोई तथ्य हो, कोई घटना हो जिसको हम याद रखते हैं उसे क्या कहते हैं, स्मरणी कहते हैं, ठीक है, स्मरणी। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो, मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, ठीक है, ना धन गणने से बना हुआ है आपका दो शब्द, दो शब्दों से बना हुआ है, ना धन गणे, तो गणे का अर्थ है जिस गणना और ना का अर्थ है नहीं, तो जिसकी गणना ना की जा सके या जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहेंगे, न गणे, ठीक है, न गणे कहेंगे। मन, मन की जानने वाला, या यहाँ पे ये छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा मन की बात, ठीक है, मन की बात, जस्ट मिनट, मन की बात जानने वाले को क्या कहेंगे, मर्मज्ञ कहेंगे, ठीक है, मर्मज्ञ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार आपका एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, इस बार आपका एग्जाम में आया हुआ था, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे क्या कहेंगे, जहां पर खाना मुफ्त मिलता हो उसे कहेंगे सदाव्रत, उसे क्या कहेंगे, सदाव्रत। देखिए
यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकता है जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, या ऐसे भी पूछ सकता है जहाँ गरीबों को भोजन दिया जाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है जहाँ पर दीन दुखियों को भोजन मुफ्त मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सदा वर्त कहते हैं। ठीक है, तो खाना मुफ्त मिलने का यहाँ पे जो आशय है, जो अर्थ है, वो टोटल है गरीब के लिए, दीन दुखी के लिए। ठीक है, जो गरीब है, जो दीन दुखी है, ठीक है, उनके लिए है, ना कि सबके लिए। जैसे कि मुफ्त भोजन तो हमें कहीं पर भी मिलता है, जैसे आप जाते हैं लंगर में खाते हैं, ठीक है, लंगर भंडारा, वहाँ भी हमें मुफ्त भोजन मिल जाता है, पर उसे सदावर्त नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे सदावर्त नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाँ वहाँ पे तो सभी लोग जाते हैं खाना खाने। जैसे आपका जो लंगर हुआ, जो भंडारा हुआ, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं खाना खाने, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी जाकर वहाँ मुफ्त खाना खा सकता है। तो पर वहाँ, यहाँ पर जो सेंस है, यहाँ पर जो आस है, वो सिर्फ गरीबों के लिए है, जहाँ पर गरीबों को भोजन दिया जाता है, या गरीबों को भोजन मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, मुफ्त दिया जाता है, दीन दुखी जो होते उनके लिए जहां पर भोजन दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सदावर्त। ठीक है, सदावर्त। आगे बढ़ते हैं। नीले, यहां पर मात्रात्मक मिस्टेक है, नीला होगा, ठीक है, नीले होगा, यहां पे बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। ठीक है, नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? नीले रंग के कमल को कहेंगे नील कमल। ठीक है, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अदा प्रसूत। ठीक है, अदा प्रसूत, जो आप, जो नवजात शिशु, ठीक है, जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं, ठीक है, जिसका जन्म तुरंत हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अदा प्रसूत। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसका जन्म तुरंत हुआ हो, या अभी अभी उसका उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अदा प्रसूत कहेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ठीक है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहेंगे? परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? गजगामिनी। ठीक है, गजगामिनी हो जाएगा। मिस्टेक आज बहुत है, कोई बात नहीं, ठीक है, सही कर लेते। वह लड़की, ठीक है, यहां पर लड़की होगा, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, उसे क्या कहेंगे? वैवाहकी कहेंगे। ठीक है, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पतिहारी हो जाएगा, वनस्पतिहारी हो जाएगा। ठीक है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, इंपॉर्टेंट है आपका, मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवादी। ठीक है, और हमने विलोम शब्द जब पढ़ा था, जब आप लोगों ने विलोम शब्द, जिसने भी क्लास की थी, तो वहां पर बताया गया था कि प्रतिवादी का विलोम आपका होता है वादी। ठीक है, वादी। तो वादी किसे कहते हैं? जो पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है, और जो पहली बार मुकदमा करता है, क्योंकि जो पीड़ित होगा वही मुकदमा करेगा। ठीक है, तो जो पीड़ित होता है और जो मुकदमा करता है, वो आपका कहलाता है वादी। और जिसके ऊपर मुकदमा किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर मुकदमा किया जाता है, उसे कहते हैं प्रतिवादी। तो या ये भी कह सकते हैं, मुकदमा के बदले मुकदमा होना क्या कहलाएगा? प्रतिवादी होगा। ठीक है, क्योंकि जब पीड़ित पक्ष मुकदमा करेगा, तो जो उसका सामने वाला पक्ष होगा, वो भी मुकदमा करेगा, तो वादी का क्या हो जाएगा? प्रतिवादी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाले को क्या कहेंगे? संदेश वाहक कहेंगे। ठीक है, जिसकी गहराई नापी ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? अथे। ठीक है, अथे, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, उसे क्या कहेंगे? अथा कहेंगे। ठीक है, अथा, जैसे आपके महासागर है, ये क्या है? इसमें अथा पानी है, अथा जल है। ठीक है, तो जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जैसे आपके महासागर हो गए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसी तरीके से जिसकी गहराई ना नापी जा सके, उसे क्या कहेंगे? अथा कहेंगे। ठीक है,
नष्ट ना होने वाला, ठीक है, जो नष्ट ना हो, ठीक है, जिसका नाश ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनश्वर, ठीक है, अनश्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या कहेंगे, अपव्ययी, ठीक है। एक होता है आपका मितव्ययी जो कम खर्च करता है, एक होता है आपका अपव्ययी। तो जो आपका अपव्ययी होता है वो अधिक खर्च करता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर पैसा कितना भी आ जाए वो खर्च कर डालते हैं, ठीक है, उनसे बचता नहीं है, ठीक है। तो जो अधिक खर्चीले होते हैं, ठीक है, या जो खर्च अधिक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपव्ययी। जो आंखों से परे हो, ठीक है, जो आंखों से परे हो या जो आंखों के सामने ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परोक्ष कहेंगे, ठीक है, परोक्ष कहेंगे। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर, मान लीजिए कोई प्रश्न था और उसका उत्तर नहीं दिया गया तो उसे क्या कहेंगे, अनुत्तरित, ठीक है, अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाले को क्या कहेंगे, स्वामत, स्वामतावलंबी, ठीक है। सबका, जैसे कि जितने भी आपके धर्म है, जैन बौद्ध, ठीक है, जैन बौद्ध हिंदू, मतलब बहुत सारे धर्म है, उनके अपने मत हैं, ठीक है। तो जो अपने मत को माने, ठीक है, जैसे शैव हो गए, हिंदू धर्म में भी आपके शैव मत के होते हैं, वैष्णव मत के होते हैं। तो जो शिव को मत, जो शैव को मानता है, तो जो शैव मत, जो शैव मत को मानता है, मतलब वो अपने मत को मानने वाले को क्या कह देंगे, स्वामतावलंबी, ठीक है, स्वामतावलंबी। अन्य से संबंध रखने वाला, ठीक है, अन्य से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, अनन्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। कही हुई बात को बार बार कहना, ठीक है, कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाएगा, पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी बात को बार बार दोहराना या कही हुई बात को बार बार कहना आपका क्या कहलाएगा, पुनरुक्ति या कहेंगे पिष्ट पेषण, ठीक है, पिष्ट पेषण आपका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है सभी को, आगे बढ़े। जो आसानी से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, जो आसानी से प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ, सुलभ। और इसका आप लोग बताएंगे विलोम, इसका आप लोग विलोम बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने क्लास की है उनको पता होगा, तो इसका विलोम आप लोग बताएंगे, ठीक है, सुलभ का विलोम क्या होगा। समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या कहेंगे, समशीतोष्ण, ठीक है। तो समशीतोष्ण, सम मतलब समान, शीत, शीतोष्ण, ये तीन शब्दों से आपके बना हुआ है, सम मतलब समान, शीतोष्ण। तो यहां पर अगर आप संधि पढ़े होंगे तो यहां आ जाएगा शीत प्लस उष्ण, ठीक है, शीत प्लस उष्ण हो जाएगा, ठीक है, उष्ण। तो मतलब आपका क्या हो गया, जो हाँ ठंडा और गर्म समान रूप से हो उसे क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कहेंगे, ठीक है, समशीतोष्ण। जो छाती के बल गमन करता हो उसे क्या कहते हैं, उरग। और आपके इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, उरग के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं, या कहें जो आपके पेट के बल चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उरग कहते हैं, ठीक है। गमन मतलब यहाँ पर चलने से है, ठीक है, वैसे गमन का अर्थ जाने से भी होता है और गमन का अर्थ चलने से भी होता है, ठीक है। जिस समय, यहाँ पर समय होगा, ठीक है, समय कर लीजिएगा, जिस समय बड़ी मुश्किल से या बड़ी जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती हो उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष, ठीक है, दुर्भिक्ष। तो जब अकाल की स्थिति होती है, ठीक है, जब अकाल की स्थिति हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष, क्योंकि अकाल की स्थिति में क्या होता है, अकाल की स्थिति में जो है भिक्षा, ठीक है, भिक्षा बहुत मुश्किल से मिल पाती है, ठीक है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी, धरोहर, ठीक है, धरोहर। जो पहले कभी ना सुना गया हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे क्या कहेंगे, आश्रुत पूर्व भी कहेंगे और अनसुना भी कहेंगे, ठीक है। आश्रुत पूर्व, श्रुत का अर्थ है सुनना, पूर्व का अर्थ है पहले, और आ का अर्थ है नहीं। तो जो पहले ना सुना गया हो उसे क्या कहेंगे, आश्रुत पूर्व या कहेंगे अनसुना, ठीक है, अनसुना। आगे बढ़ते हैं,
जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? इस मरड़ी, ठीक है, इस मरड़ी। जैसे कि हमारे जीवन में कोई कोई घटना होती है या कोई ऐसा दृश्य होता है जिसे हम लंबे समय तक मतलब याद रखते हैं, या वो भूलता ही नहीं है, ठीक है, वो भूलता ही नहीं है, ठीक है। तो जो स्मरण करने योग्य हो, वो कोई दृश्य हो सकती है, कोई घटना हो सकती है जो आपको प्रभावित करे, ठीक है, और वो आप जो आपको प्रभावित कर जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? स्मरणी योग्य, ठीक है, स्मरणी योग्य। जैसे कि आप कभी कभी कोई घटना से ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि आप उससे प्रेरित हो जाते हैं। जैसे अगर आप ने देखा होगा जो बड़े लोग हैं या आप ये भी कितने आईएएस पीसीएस हुए हैं जिनको एक घटना ने इतना प्रभावित कर दिया, इतना प्रेरित कर दिया कि उनको आईएएस या आईपीएस बनने के लिए वो प्रेरित हुए और वो बने, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई घटना हो सकती, कोई दृश्य होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मरणीय हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित कर जाता है और प्रभावित कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? स्मरणीय, ठीक है। हाँ, राइट निर्भय, राइट। दुर्लभ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि ये विलोम शब्द में भी पूछा जाता है, और जब आप लोगों ने तत्सम और तद्भव पढ़ा था तो वहां भी आपका पूछा गया था कि तत्सम तद्भव में जैसे कि दुर्लभ का जो आपका दुर्लभ आपका क्या है, दुर्लभ तत्सम शब्द है, ठीक है, और दुर्लभ जो है आपका तत्सम शब्द है, और इसका जब हम लोगों ने तद्भव पढ़ा था तो क्या हुआ था? दूल्हा, ठीक है, दूल्हा। तो ये शब्द भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप तत्सम तद्भव में भी पूछा जाता है, विलोम में भी पूछा जाता है, और अभी आपको यहाँ भी मिलेगा, वन वर्ड्स में भी पूछा मिलेगा, क्योंकि दुर्लभ भी क्या होता है, ये भी आपके दो शब्दों से बना हुआ है। लभ का अर्थ होता है किसी चीज प्राप्त होना, और दुर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, दुर का अर्थ होता है कोई चीज, जैसे कोई चीज अगर आपको कठिनाई से प्राप्त हो, लभ मतलब प्राप्त होना और दुर मतलब कठिनाई, तो जो चीज कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। और दुर्लभ का जो विपरीत होता है वो सुलभ। तो सुलभ में क्या होता है? सुलभ में कोई चीज हम आसानी से प्राप्त करते हैं, और दुर्लभ में हम कोई चीज क्या होता है? कठिनाई से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका हो चुका है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे, ठीक है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, ठीक है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु। तो युद्ध करने की इच्छा हो या इच्छा रखने वाला, या कहे इच्छुक, ठीक है, इच्छा हो या इच्छा रखने वाला हो या इच्छुक हो, तीनों आपका क्या हो जाएगा? तीनों के लिए आपका क्या हो जाएगा? युयुत्सु हो जाएगा। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं युद्ध अगर सिर्फ आ जाए, युद्ध करने की इच्छा अगर सिर्फ इतना पूछा जाए, युद्ध करने की इच्छा, तब आपका क्या हो जाएगा? युयुत्सा हो जाएगा, ठीक है, युयुत्सा। तो युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा हो जाएगा, और युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु हो जाएगा, ठीक है। जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहेंगे? दमनी कहेंगे, ठीक है। जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उपकृत, ठीक है, जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उपकृत कहेंगे, ठीक है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, ठीक है, जो थोड़े समय में नष्ट हो जाए, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्या कहेंगे? क्षण भंगुर, ठीक है, क्षण भंगुर। क्लियर है? आगे बढ़े। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, यहां पर होगा सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? निःशब्द, ठीक है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहेंगे? आतंकित, ठीक है, आतंकित। जिसे ऊपर कहा गया हो, ठीक है, जिसे ऊपर कहा गया हो, जैसे कथित का अर्थ होता है कहा गया, ठीक है, कथित का अर्थ होता है कहा गया, और ऊपर का ऊपर मतलब जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहेंगे? उपर्युक्त कथित, ठीक है, उपर्युक्त कथित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, ठीक है, वह धन, जस्ट मिनट,
वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य, ठीक है, राज्य को मिलता हो उसे क्या कहेंगे, उसे अनुदान कहेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, उसे क्या कहेंगे, अनुदान कहेंगे। जैसे कि हमारा जो केंद्र, केंद्र जो केंद्र और राज्य, हमारा जो संघ हमारा विभाजित हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, संघ और राज्य में हमारा जो है संविधान विभाजित हुआ है, ठीक है, राज्य को विभाजित किया गया संघ और राज्य में। तो इसी तरीके से जो संघ सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देती है उसे क्या कहते हैं, अनुदान। जैसे केंद्र सरकार आर्थिक सहायता में राज्य को ऋण भी देती है, तो जब राज्य को वो ऋण देती है तो ऋण क्या होता है, ऋण को वापिस करना पड़ता है। अगर भी कोई कोई केंद्र, जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य को सहायता देने के लिए ऋण ऋण देती है तो ऋण तो आपको वापिस करना होता है। पर अगर जो अनुदान होता है ये अनुदान आपको जो राज्य को वापिस नहीं करना होता, ठीक है, तो अनुदान ऐसा सहायता होती है जो राज्य को वापिस नहीं करना होता, ठीक है। तो इसी तरीके से वो धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को दिया जाता है वो क्या कहलाता है, अनुदान कहलाता है, ठीक है। आकाश को चूमने वाला को क्या कहेंगे, गगन चुंबी। 100 में 100 आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, जो बात वर्णन से परे हो, ठीक है, जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे, आवर्णनी कहेंगे या वर्णनातीत कहेंगे, ठीक है। जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे, आवर्णनी कहेंगे या वर्णनातीत कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई चीज कल्पना से परे हो, ठीक है, अगर कोई चीज कल्पना से परे हो तो उसे कहते हैं कल्पनातीत, ठीक है, कल्पनातीत। इसी तरीके से अगर कोई चीज वर्णन से परे हो तो उसे क्या कहेंगे, वर्णनातीत कहेंगे या क्या कहेंगे, आवर्णनी, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे, रूढ़िवादी, मतलब जो पुरानी परंपरा में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, पूजनी, ठीक है, पूजनी। आपका वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वर्तनी में आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको फंसा देता है वर्तनी में, इस तरह से आपको दे देगा और बहुत तरीके से आपको फंसा देगा, पर आपका जो शुद्ध वर्तनी है वो इस तरह से दिया होता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है पूजनी को, ठीक है। जो देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त कहेंगे, ठीक है। जिसका आदि ना हो, ठीक है, जिसका आदि ना हो मतलब जिसका आरंभ ना हो उसे क्या कहेंगे, अनादि कहेंगे, ठीक है। तो जिसका कोई आरंभ ना हो, आदि मतलब आरंभ होता है, शुरुआत होता है, जिसका कोई आदि ना हो, आरंभ ना हो उसे क्या कहेंगे, अनादि कहेंगे, ठीक है। शत्रुओं का हनन करने वाला, ठीक है, शत्रुओं का हनन करने वाले को क्या कहेंगे, शत्रुहंता कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुकदमा दायर करने वाला वादी, बता चुके हैं, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष होता है, जो पहली बार मुकदमा करता है, ठीक है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, यहां पर ला होगा, ठीक है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्सु हो जाएगा, ठीक है। शुभ, यहां पे आपका शलजम वाला सा होगा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है, अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान कहलाता है। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का चित किसी भी देश काल परिस्थिति, यहां पर परिस्थिति होगा या परिस्थित भी हो सकता है, परिस्थित में एक समान रहता हो उसे क्या कहते हैं, स्थिर चित या शांत चित, ठीक है। जो किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल स्थिर रहता है, ठीक है, वो मतलब एकदम, जैसे कुछ लोग का स्वभाव क्या होता है, अटल होता है, मतलब कुछ लोग का निर्णय अटल होता है, ठीक है, और या जो लोग शांत होते हैं, जो लोग स्थिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थिर चित, मतलब वो परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे किसी भी परिस्थिति में चाहे उन पर सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए वे स्थिर रहते हैं, ठीक है, उनका स्वभाव क्या होता है, स्थिर रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्थिर चित या शांत चित, ठीक है। मृग जैसे लोचन हो जिसके उसे क्या कहेंगे, मृग लोचनी। तो लोचन
लोचन आपका क्या है? नेत्र का पर्यावाची है, ठीक है? लोचन क्या है आपका? नेत्र का पर्यावाची है। तो मृग जैसे लोचन, मतलब मृग जैसे जिसकी नेत्र हो, मतलब जिसकी आंख हो, उसे क्या कहेंगे? मृग लोचनी कहेंगे, ठीक है? उत्तर देकर खंडन करना, उत्तर देकर खंडन करना आपका क्या क्या कहलाएगा? प्रत्युक्त हो गया है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित, ये भी आपका हो गया। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, उसे क्या कहेंगे? प्रालंब बाहु या दीर्घ बाहु कहेंगे, ठीक है? देखिए यहां पर एक चीज समझना होगा, जिसकी बाहें लंबी हो उसे क्या कहेंगे? प्रालंब बाहु या दीर्घ बाहु। और एक प्रश्न आपका और बनता है, जिसकी बाहें घुटने तक हो, तो जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे कहते हैं अजानु बाहु, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है, अगर जिसकी बाहें लंबी हो ये पूछेगा तो आप क्या कर लेंगे? दीर्घ बाहु कर लेंगे या कर सकते प्रालंब बाहु, ठीक है? पर जिसकी बाहें घुटने तक हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे क्या कहते हैं? अजानु बाहु, ठीक है? तो दोनों में अंतर है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत, ठीक है? आक्रांत कहते हैं। जो कहा ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अकथित। कथित क्या होता है? कथित में जो कथित का में क्या होता है? जिसमें बातें कही गई हो या जो कहा गया हो। कथित का अर्थ होता है जो कहा गया हो, और अकथित का अर्थ क्या हो जाएगा? जो कहा ना गया हो, ठीक है? जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना आपका क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। ये आपके वर्तनी में भी पूछा जाता है और वन वर्ड्स में भी पूछा जाता है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। जैसे इसके कुछ उदाहरण आप होते हैं, ठीक है? कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हनुमान जी के पूछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, बताया जा रहा है कि हनुमान जी के पूछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सगरी लंका, मतलब पूरी लंका क्या हो गई? जल गई, और गए निशाचर भाग, मतलब राक्षस भाग गए। इसी तरीके से आपका इसके एग्जाम्पल्स में अगर देख लेंगे तो बोला जाता है, राणा ने सोचा था इस पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा ने अभी इस पार सोचा ही, तब तक क्या हुआ? चेतक था उस पार। चेतक कौन था? चेतक था जो राणा सांग, जो आपके राणा थे, ठीक है? महाराणा प्रताप जो आपके राणा थे, उनका घोड़ा था, ठीक है? तो इसी तरीके से राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो ये क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है? तो आज आपकी क्लास यहीं एंड होगी, क्योंकि